आज सुबह गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर घर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के साथ ही गणेश उत्सव शुरू हो गया है। इस बार कोरोना काल के चलते शहर में बड़े आयोजन नहीं होंगे, लेकिन लोग अपने अपने घरों में पूजन अर्चन करेंगे। इसके लिए बाजारों में श्री गणेश जी की प्रतिमाओं की दुकानें सज गई है, मगर अभी इन दुकानों पर लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। कोरोना के प्रकोप के चलते इस बार शहर में कहीं भी पंडाल नहीं सजा है, ऐसे में 10 दिन तक घरों में ही पूजा होगी। इस महामारी को देखते हुए बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कार्यक्रम फीका रहेगा। मंदिरों में जागरण, भजन, कीर्तन और प्रसाद वितरण का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इंदौर पुलिस प्रशासन भी इस ओर मुस्तैद नजर आ रहा है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सैन की रिपोर्ट। त्यौहार में तो मंदी है, वैसे तो पिछले साल के मुकाबले तो बहुत कम लग रहा है इस बार। तो किस प्रकार से आपके पास आ रहे हैं और किसी सुरक्षा के लिए आप आगे चला? मैंने तो मास्क वगैरह लगा के आ रहे सब, और मैं खुद भी मास्क लगा कर हूँ और सैनिटाइजर वगैरह भी रख रखा है। क्या इसका असर त्यौहार पर अधिक असर छाया हुआ है? बिल्कुल छाया हुआ है। तो पूरा नाम सोनू कश्यप। सर, आज गणेश चतुर्थी का अवसर अब त्यौहार अब नज़दीक आ रहा है और ऐसे में कोरोना काल भी है, तो इसमें कोरोना काल में आप भगवान गणेश अब अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, तो क्या दिशा निर्देश के साथ आप भगवान गणेश को अपने घर ला रहे हैं और कैसी तैयारियों के साथ आप लाने की तैयारियाँ कर रहे हैं? देखिए, हर साल तो हम हमेशा ही मिट्टी के गणेश जी ही लाते हैं, क्योंकि मिट्टी के गणेश जी अच्छे रहते हैं, सुंदर भी दिखते हैं और घर में ही विसर्जित हो जाते हैं। तो इस बार कोरोना काल में भी हम मिट्टी के गणेश जी ही घर में लाएंगे, भले मिट्टी के गणेश जी की मूर्तियाँ जो है महंगी भी हो गई हैं, पर तो भी मिट्टी के गणेश जी ही लाएंगे। उनके 10 दिन खूब सेवा करेंगे, उनको उनसे विनती करेंगे कि वो इस कोरोना को जल्द से जल्द ख़त्म करें, सबको स्वस्थ रखें और इंदौर को स्वच्छ रखें हमेशा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।